हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपयाशी नेट में स्वागत है। और आज की तारीख है 21 जून 2023 की। आज हम डेली बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं, जो कि आज हम फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे। आपके एग्जाम में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, उसी की यहाँ पर उठा के लाते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लाए वहाँ पे आपके सामने पेश कर दिया और आपके लिए कोई भी हेल्पफुल ना हो, तो ऐसे कोई बात नहीं रहती है। इसलिए जो भी लाता हूँ बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होगी, जो एग्जाम में पूछा सकती है उसी की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज की हमारी पहले करंट अफेयर्स क्या है, बात करने से पहले अगर आपको चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन पे बटन दबा लीजिए, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो सबसे पहले आज की हम पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा विश्व शरणार्थी दिवस, याद रखिएगा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में देश के पहले मोटो जीपी, कौन सा मोटो जीपी, याद रखिएगा मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। अगर आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पनामा में हाल ही कहाँ पे, पनामा में, पनामा कहाँ पे है आप लोग बताइए मुझे, पनामा कहाँ पे है। पनामा में हाल ही भारत का पहला, कहाँ पे, भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया, क्या नियुक्त किया गया है, राजदूत, याद रखिएगा राजदूत नियुक्त किया गया, जो सुमित सेठ को, किसको, सुमित सेठ को, याद रखिएगा पनामा देश में हाल ही में भारत का पहला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के, किसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयर बस विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है, तो इंडिगो ने, किसने दिया है, इंडिगो ने, याद रखिएगा इंडिगो के द्वारा दिया गया है, किस चीज का दिया गया है, 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयर बस विमानों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। इम्तियाज अहमद, कौन, इम्तियाज अहमद का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे, तो समाज शास्त्री थे, कौन थे, समाज शास्त्री, इंपोर्टेंट व्यक्ति थे और ये मुख्य तौर पे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इम्तियाज जो अहमद थे वो किस से संबंधित थे, तो वो समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंटेल, कौन सा इंटेल और किस देश ने हाल ही में 32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए, तो जर्मनी के साथ मिलकर, किसकी बात हो रही है, इंटेल कंपनी की, इंटेल कंपनी ने इसके साथ जर्मनी के साथ, इसके साथ जर्मनी के साथ, इंटेल ने जर्मनी के साथ 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48, कितना, 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी हुई, तो राजस्थान ने, किसने, राजस्थान के द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से, इसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार, कहाँ की बात की जा रही है, यूरोप की, जो यूरोप में निबंध पुरस्कार दिया जाता है, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो अरुधंधित राय को, किसको, अरुधंधित राय को हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर कौन सा है, G20 श्रम संघाई शिखर, संघाई है ये, गलत टाइप हो गया है शायद, संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, बिहार, याद रखिएगा बिहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है, तो किसने जीता हुआ है, मैक्स वेस्टरपन ने, किसने, मैक्स वेस्टरपन के द्वारा हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है, कौन सा, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ देते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, पसंद आएगी तो लाइक किया होगा। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कौन सा, इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में, यह रखिएगा नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में NHPC कौन सा, NHPC के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तम लाल को, किसको, उत्तम लाल को, याद रखिएगा उत्तम लाल जी को हाल ही में NHPC के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तेलंगाना किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल
इसे कौन से राज्य को सम्मानित किया गया है, तो तेलंगाना को, तेलंगाना राज्य को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की हुई है, तो ढाका में की है। आपको बताना है ढाका किस देश की राजधानी है, ढाका किस देश की राजधानी है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। तो किसने की है, वर्ल्ड बैंक ने, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने कहां पे की है, दक्षिण एशिया में, पहली दक्षिण एशिया में उसने पहली सड़क सुरक्षा के लिए परियोजना की शुरुआत की ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। कहां के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, कौन सी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अनावरण किया हुआ है, तो दिल्ली के, किसने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम कौन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे दिल्ली के सीएम कौन है। तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। ओके दोस्तों, तो आज के हमारे चैनल में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।